हेलो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया के लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट देने वाला स्पेशल यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली की तरह आज भी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आए गए हैं। आज की जिस वैकेंसी की अपडेट देने वाले हैं वो पंजाब स्टेट की स्पेशल वैकेंसी है। तो आप सभी को बता दें, पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी PSSB द्वारा ग्राम सेवक विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी जारी की गई है। तो चलिए फ्रेंड, अब आपको हम टाइम ना वेस्ट करते हुए कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। बस फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे। और फ्रेंड, यदि आप इसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको एंड तक वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। और यदि आपको किसी भी प्रकार के डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमसे उसका रिप्लाई ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप सभी को बता देते हैं कि इसे वैकेंसी जो ग्राम सेवक की है, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 15 मई 2022 से स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेंड, इसके आगे की क्या इंफॉर्मेशन उसे देखते हैं अब। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि आधिकारिक सूचना में क्या इंफॉर्मेशन दी गई उसे देख लेते हैं। पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड PSSB हैज़ इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर BDO और ग्राम सेवक 792 पोस्ट अंडर द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट। द स्टूडेंट हु वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन PSSB वीडियो रिक्रूटमेंट 2022 एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फ्रॉम 15th May थ्रू द इस ऑफिशियल वेबसाइट www.PSSB.punjab.gov.in। तो फ्रेंड, पंजाब अधीनस्थ सर्विस अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ग्राम सेवक या विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर के लिए 752 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की है। और देखिए फ्रेंड, ये वैकेंसी जो है किस डिपार्टमेंट के द्वारा है, यानी कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 15 मई 2022 से। तो जो भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है और इसके लिए एलिजिबल है तो वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.PSSB.punjab.gov पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अब आगे की क्या इंफॉर्मेशन है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक फिलअप किया जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले देखिए इसकी इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। इसका जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि इसका विज्ञापन कब जारी किया गया था, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका विज्ञापन जारी किया गया था 7 मई 2022 को। और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका बिगिन होगा 15 मई 2022 को, ऑलरेडी बता चुके हैं। और इसके लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसकी लास्ट डेट क्या है, 14 जून 2022, यानी कि 14 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, इसमें एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क कैटेगरी वाइज के क्या है, तो देखिए इसमें जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये है, और SC BC EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और देखिए ESM कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये है, यानी 200 है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जिसे दिव्यांग कहते हैं, तो उन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये है। और देखिए फ्रेंड, इसमें जो सैलरी है यानी कि वेतन, इसमें बहुत ही शानदार वेतन है। इसमें स्टार्टिंग 19,900 यानी लगभग 20,000 से स्टार्ट है, और इसमें सैलरी जो है इंक्रीज होते होते 63,200 रुपये तक है। फ्रेंड, यहाँ पे 300 रुपये है, लेकिन 63,200 से 300 रुपये तक इसका पर मंथ सैलरी हो जाएगी आपको इंक्रीज होते हुए। तो ये बहुत ही शानदार आप सभी कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए, अब आगे की क्या इंफॉर्मेशन उसे भी देख लेते हैं।
अब देखिए फ्रेंड, इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए हर कैंडिडेट के पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए। देखिए इसमें एज लिमिट, पहली बात तो आपको बता दें, इसमें एज का जो कैलकुलेशन किया जाए, गणना किया जाएगा, वो 1 जनवरी 2022 से इसके एज की गणना की जाएगी। और देखिए इसमें एज कितना होनी चाहिए कैंडिडेट की, बिटवीन 18 to 37 ईयर, यानी 18 से लेकर 37 साल एज लिमिट होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 ईयर होनी चाहिए। और देखिए इसमें वैकेंसी डिटेल अब देख लेते हैं। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, 792 पोस्ट के लिए, यानी 792 पोस्ट के लिए है। अब देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल में देखिए, जनरल कैटेगरी यानी जो सामान्य कैंडिडेट हैं उनके पास कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है, 282 पोस्ट के लिए है। EWS के लिए 79 है। SC जो MBA है यानी मोस्ट बैकवर्ड हैं उनके लिए 79 पोस्ट है। SC कैंडिडेट RO के लिए 79 है। और BC और देखिए ESM जनरल कैटेगरी के लिए जो है 56 पोस्ट है। ESM जो SC कैंडिडेट है उनके लिए 32 पोस्ट है। और देखिए फ्रेंड इसमें ESM BC के लिए कितना, 16 पोस्ट है। और स्पोर्ट कोटा से जो कैंडिडेट SC कैंडिडेट है उनके लिए 9 पोस्ट है। और फिजिकली जो हैंडीकैप यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 33 यानी 33 पोस्ट है। और फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता सेनानी कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार टोटल 792 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। आप देखिए इसमें आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसे देखिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए, फर्स्ट नंबर, कैंडिडेट शुड बी पास्ड 10th और हाई स्कूल विद पंजाबी एज अ सब्जेक्ट। तो जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनका हाई स्कूल जो पंजाबी लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और देखिए 12 आर इंटरमीडिएट पास्ड विद सेकेंड डिवीज़न, आपका इंटरमीडिएट जो हो सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए। और देखिए इसमें ग्रेजुएशन पास्ड इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपका ग्रेजुएशन जो क्वालिफाई होना चाहिए वो किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, यानी PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या आपको किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए। और देखिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, ये तो ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट और हाई स्कूल पास डिग्री होनी चाहिए, साथ में कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन का 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम करवाया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप के होंगे। और देखिए और स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा यदि इसमें आप सभी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो। अब देखिए फ्रेंड और देखते हैं, अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए, PSSB या वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर या ग्राम सेवक एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट ऑनलाइन मोड इन विच 100 क्वेश्चन अवेलेबल, ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, यानी कि इसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 100 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। तो देखिए किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस एग्ज़ाम में। देखिए इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन, पंजाबी लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर फंडामेंटल से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज से आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपको 15 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और इसमें 100 मार्क्स होंगे। तो इस प्रकार ये था एग्ज़ाम पैटर्न। और देखिए इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल क्या है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए। तो फ्रेंड ये थी आज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो वीडियो की है या ग्राम सेवक पंजाब स्टेट स्पेशल की वैकेंसी है। तो फ्रेंड आज की जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 1 कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 1 लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड इसके लिए आप हम बहुत मेहनत करते हैं कि आप सभी के लिए डेली एक नई वैकेंसी की अपडेट देते रहें, चाहे वह किसी स्टेट लेवल की हो या किसी ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी हो।
तो चलिए फ्रेंड, यदि आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।